हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक आपका दोस्त आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि जो कैटफिश फैमिली की एक मछली होती है फंगासियस, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या फंगासियस को हम होम मेड फीड पे, यानी जो हम IMC जैसे रोहू कतला मृगल या कार फैमिली ग्रास कार्प कॉमन कार्प सिल्वर कार्प, इन मछलियों को जो हम होम मेड फीड या घर पे जो खाना बना करके खिलाते जैसे सरसों की खली वगैरह, क्या हम इस भोजन पे फंगासियस का पालन कर सकते हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि क्या फंगासियस मछली को होम मेड फीड पे पाल सकते हैं कि नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको हम बताते हैं। तो अगर ये कहें कि फंगासियस मछली होम मेड फीड पे पाली जा सकती है या नहीं, तो अगर इसका मुझे आंसर देना हो तो ज्यादातर परसेंटेज जाएगा कि नहीं की तरफ, कि इसे होम मेड फीड पे पाली तो जा सकती है, लेकिन किसानों को ये सजेशन दिया जाता है कि आप पालिए मत। तो ये जो क्वेश्चन है कि फंगासियस मछली को होम मेड फीड पे पाली जा सकती है कि नहीं, तो पाली जा सकती है, लेकिन किसानों को सजेशन दिया जाता है कि आप पालिए मत। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई कारण है। क्योंकि जो फंगासियस मछली है कैटफिश फैमिली की, ये अपर लेयर की मछली है, और ऐसा नहीं कि पहले बहुत दशकों पहले जब फंगासियस का पालन नहीं किया जाता था तो फंगासियस को फ्लोटिंग फीड खिलाया जाता था, क्योंकि तब फ्लोटिंग फीड आया ही नहीं था। तो इसी प्रकार से ये कैटफिश फैमिली की मछली मांसाहारी मछली है, तो जहाँ भी ये रहती थी, जैसे कि ये वियतनामी मूल की मछली वियतनाम की है, तो वहाँ पे ये इसी तरीके के, जिस तरीके से हम लोग होम मेड फीड खिलाते हैं, उसी तरीके के कचड़े वगैरह या छोटे मोटे कीड़े वगैरह खा करके ही ये पलती थी। लेकिन धीरे धीरे इसको कल्चर में लाया गया, इसका कल्चर किया गया, इसको धीरे धीरे आदत दिलाया गया कमर्शियल फीड में फीड का ज़्यादा वेस्टेज ना हो, उसके लिए फ्लोटिंग फीड खिला गया। तो धीरे धीरे इसका नेचर बन गया, एक आदत बन गया पीढ़ी दर पीढ़ी, ये फ्लोटिंग फीड ज़्यादा पसंद करती है, और ये ज़्यादा स्ट्रगल करके खाने को खाना नहीं पसंद करती है। क्योंकि जो फ्लोटिंग फीड होता है, फ्लोटिंग फीड जो फेंकते हैं बहुत सारा फीड, तो इसके मुँह के सामने आ जाता है, ये उसे खा लेती है। तो यहाँ तक हमारी राय है कि अगर जो किसान फंगासियस की फार्मिंग कर रहे हैं सडनली, या किसी कारणवश मान लीजिए फीड की व्यवस्था या फ्लोटिंग फीड जो होता है उसकी व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं कि फीड की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, फीड नहीं खरीद पा रहे हैं, फ्लोटिंग फीड जो कंपनी का फीड होता है, तो आप मछली को बेच दें या फिर मछली को भोजन देना बंद कर दें। बेच देंगे तो आप लॉस में जाएंगे बीच रास्ते में, और अगर भोजन देना बंद कर देंगे तो आप टोटली लॉस में जाएंगे, क्योंकि जो फंगासियस मछली के पेट में चर्बी वगैरह होता है वो धीरे धीरे गलने लगता है। तो अगर इस प्रकार से सिचुएशन कहीं पे बने तो आप उसको होम मेड फीड खिला सकते हैं, जैसे कि सरसों की खली वगैरह, राइस पॉलिश वगैरह, उसमें कुछ नॉनवेज कंटेंट मिक्स करके, जैसे अंडा वगैरह मिक्स करके आप उसको चाहे टब में रख करके या बोरे में भर करके रख सकते हैं, जिसे वो खाएगी। दिक्कत क्या होगा, जो फंगासियस मछली फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं, जो ड्यूरेशन 6 महीने में राउंड फिगर में 1 kg तक जाएगी, तो ये मान के चलिए 10 से 12 महीने में राउंड फिगर में 1.5 kg से 1 kg के आसपास जाएगी। और इसमें क्या होता है, फीड का लॉस ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि होम मेड फीड हम खिलाएंगे कैटफिश को तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, FCR बहुत कम आएगा, तो ऐसा नहीं, FCR बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हम नहीं पा सकते अगर सारे तरीकों से जोड़ा जाए। क्योंकि होम मेड फीड बनाने में भी लेबर कास्ट वगैरह हो गया, और सारी चीज़ों को मिक्स करके जितना प्रोटीन कंटेंट फ्लोटिंग फीड में होता है, जो मिनरल्स विटामिन वगैरह होते हैं वो इसमें डाल के अगर आप खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं मिला जुला रिजल्ट आएगा। और उसमें मुश्किल क्या होगा कि जो 6 महीने में तैयार होने वाली मछली है वो साल भर तक जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप फीड की व्यवस्था नहीं है या आधा व्यवस्था कर पाए हैं, आधे से आपके पास पैसा खत्म हो गया, फीड नहीं खिला सकते, तो उसको बेचे ना या फिर उसी तरह छोड़े ना, होम मेड फीड खिला करके कैसे भी करके अपना कल्चर निकाल लें।
तो किसान भाई आशा करते हैं कि वीडियो देख करके आपको 100% सेवली समझ में आ गया होगा कि फंगासिस मछली को होम मेड फीड पे पाल सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और किसान भाई अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर एनी इक्विपमेंट की आपको जरूरत है मछली पालन से रिलेटेड, जैसे फिर सीड, फीड, मेडिसिन वगैरह की, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाई अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।